एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीच्या दंगलीमध्ये शीख समाजाचा मोठा नरसंहार झाला होता त्यावर राहुल गांधींचे राजकीय गुरू आणि राजीव गांधी यांचे सहकारी सॅम पित्रोडा यांनी अजब विधान केलं आहे ज्या दंगलीत शीख समाजाची भयंकर कत्तल झाली त्याबाबत बोलताना पित्रोडा हुवा तो हुवा एवढं आरामात बोलले अजूनही त्या दंगलीबाबत शीख समाजात प्रचंड चिड आहे मात्र काँग्रेसचे नेते अजूनही त्या दंगलीला काही झालंच नाही अशा नजरेनं पाहत असल्याचं पित्रोडा यांच्या वक्तव्यावरून दिसतंय सॅम पित्रोडा यांच्या वक्तव्यावरून भाजपानं कडाडून टीका केली अब क्या है 84 का बात तो करिए आपने क्या किया पांच साल में उसकी बात करिए 84, तो 84 में हुआ तो हुआ 84 में हुआ तो हुआ 84 में हुआ तो हुआ आपने क्या किया किस प्रकार की ये बात है किस प्रकार की सोच नर्सिंग हुआ कतलेआम हुआ ऐसे थोड़ी ना कि कुछ नहीं हुआ यही सोच देखे कांग्रेस के प्रथम परिवार के प्रथम सलाहकार की और ये स्पष्ट करती है कांग्रेस की नियत और नीति किस प्रकार की रही है और हिसाब क्या मांग रहे हैं अपना हिसाब दीजिए आप दूसरे के हिसाब पूछने से पहले जहाँ तक प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की बात है वो तो जनता के बीच अपनी के बात रख ही रहे अपने कार्यकाल में सेवा क्या क्या हुआ है किस वर्ग के लिए हुआ हर चीज़ रख रहे हैं आप तो कम से कम इन बातों पर कहिए और इस पर तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए हुआ तो हुआ